खबर नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से है। लगातार बारिश से परेशान किसानों ने बिजली घर की शिकायत को लेकर पहुंचे नरसिंहगढ़। बता दें कि नरसिंहगढ़ बिजली विभाग की 3 बड़ी शिकायतें, बिजली शिकायत 1, मुख्यमंत्री बिजली बिल 200 यूनिट बढ़ते हुए 300 कब हो गई है जनता को मालूम ही नहीं। शिकायत नंबर 2, मजदूरी परिवार घर में जा रहे तो 2000 से लेकर 6000 तक। शिकायत नंबर 3, लखनवास में बिजली की डिब्बी बंद है, अब बिजली बिल कैसे आया 1600 रुपये। बिजली विभाग बिल से परेशान ग्रामीणों ने नरसिंहगढ़ बिजली विभाग पहुंचा और बारिश से परेशान ग्रामीण जन मजदूर परिवार महिला जो कि मजदूरी करती हैं और मजदूरी भी ठीक से नहीं कर पाती हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि भोपाल से आई रीडिंग कंपनी ने हजारों का बिल थमाया और मीटर बंद पड़े हुए। कहाँ से आया? इनोतिस से। कितना बिजली का बिल आया था आपका? अभी 1800 रुपए आ रहा है। क्या करते हो आप काम में? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हमारे पास न खेती है न वाड़ी, हम 1800 रुपए कहाँ से दे सकेंगे? एक बत्ती कनेक्शन है वही ढंग से नहीं मिल रही हम लोगों को। बीपीएल परिवार में है। तो ये पहले कभी भी आया कि आज ही आया ये वाला? अभी आया। कोई सुनने को तैयार नहीं? कोई सुनने को तैयार नहीं। और लाइट भी ढंग से नहीं, कभी कट जाती है कभी कभी आती नहीं। को लेकर ग्रामीणों ने यहाँ पर घेराव किया तो क्या समस्या? देखो ये जो बिल है ये हमारे स्तर से नहीं हुए हैं, है ना। जो अपनी एवरेज असेसमेंट जो रीडिंग उठाई गई है ना, अनुमान जो खपत है वो आगे से उठाई और वो सब 200 यूनिट के ऊपर उठी है, ठीक है। तो जिस कारण पिछले 4 महीने से शिकायत कर रहे हैं उसके बाद में अभी तक नहीं, अभी तक बिल नहीं बिगड़े थे, ये इसी महीने समस्या आई है। इसी महीने 200 यूनिट के ऊपर खपत गई है जिससे राज्य शासन की सब्सिडी से सभी ग्रामीण वंचित रह गए, जिस कारण ये बिल अपने जो आए हैं।